अभी संवाद 2492 द्वितीय श्रावण से 13 रविवार तारीख 28/8 शास्त्र दिने पूज्य श्री कांजी स्वामी ने श्री समय शास्त्र ने गाथा 8 ऊपर स्वर्णपुरी में प्रवचन सरण प्रवचन नंबर 30 नमो नो सौ हरिहंता नमो नो सौ सुदान नमो नो सौ आयरिया नमो नो सौ जयानम नमो नो सौ त्रिकालवती श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामद मोक्षदों से ओंकाराय नमो नम मंगलम भगवान मंगलम रूपमूर्ति मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोक्ष मंगल नमस्म स्मराय स्वानु भूत्या चास्ते चित स्वाय भवाय त्रिभाव निरुद्ध निदाता समय सार जीव जीव अधिकार चलते हैं, उसमें 7 गाथा चली तो 6 ने 7 में ऐसा चला उसमें से आप किसका प्रश्न उठते हैं, किसको प्रश्न क्यों उठा, 8वीं गाथा का उत्तर देने में प्रश्न। महाराज तुम तो कहते हो कि एक आत्मा अभेद वही वस्तु उसने पर्याय भेद भी न लेना और दोनों दुण ही भेद भी नहीं लेना, समझ आया, एक ही लोग न्याय चैतन्य ध्रुव स्वरूप उसको हम आत्मा कहते हैं ना, उसकी दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो एक किला अभेद 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 तम तो बहुत सिद्ध किया, तो हमारा प्रश्न है कि यदि ऐसा है कि एक परमात्मा का उपदेश देना चाहिए, तो हमारा प्रश्न है कि ऐसा अभेद का उपदेश देना चाहिए किया एक ही का, समझ में आया। छठी गाथा में कहा कि गुणस्थान भेद पर्याय भेद सब नहीं उसमें, पीछे 7वां में कहा गुण गुणी का भेद भी नहीं उसमें, एक अभेद एक शुद्ध शुद्ध नहीं का विषय वही न्याय भाव वही ध्रुव भाव कारण परमात्मा, तो वही तुमको आत्मा उसको कहना है तो वही बात कौन है कि नहीं परमार्थी ऐसा है पर एक परमार्थ बैठक है ना जो पाठमक है एक परमार्थ ऐसा है तो एक परमार्थ का उपदेश देना चाहिए, व्यवहार का उपदेश क्यों देते हैं, समझ में आया। हम तो परमार्थ की बात कहते हैं कि आत्मा भेद एक शुद्ध ध्रुव उसमें कोई गुण गुणी का भेद नहीं और पर्याय फर्याय का भेद तो है ही नहीं, ऐसी बात आप कहते हो तो एक परमार्थ का आपको उपदेश देना चाहिए, समझ में आया, ऐसा है ना पास है कहीं कहीं परमार्थ ही एको वक्तव्य किसी चीज ऐसा प्रश्न है, व्यवहार किसने कहा जाता है, व्यवहार क्यों कहते हो, सिद्ध तो तुम्हारे अभेद अभेद करना है ना, अभेद का आश्रय कराना है, अभेद वही वस्तु कहते हैं आप, समझ में आया, चीज ने इतना तो पकड़ा है ना, तो परमार्थ एक ही कहना चाहिए, दूसरा व्यवहार की जरूर क्या है, ठीक व्यवहार किसने कहा जाता है उसका निकाल आओ, बात इतना है परमार्थ ये वक्त एक क्षण है तो उसका अर्थ दूसरा व्यवहार को क्या संभव हम से निकाला, समझ में आया, उसमें निकाला है घर का कोई नहीं वो अर्थ करना रहे पर पाठ में है उसका ही अर्थ है, परमार्थ परमार्थ भगवान आत्मा एक समय में शुद्ध अभेद अखंड आनंद प्रभु है, उसको ही तो आप कहना था परमार्थ का आपके व्याख्यान करना था, व्यवहार को क्यों कहा उसका उत्तर उनका था, ऐसी जिज्ञासा है उसको समझाने की गाथा है ऐसी कहते हैं, समझ में आया। यह नवी सकम जो अनजवा संगाऊ व्यवहारेण विना
परमतम वेशम असकम भाषा नार्य विज्ञान समझाना जो शक्य नार्य को भाषा नार्य विज्ञान न समझाना जो शक्य नार्य को व्यवहार बीन परमार्थ का उपदेश होय अशक्यो। टीका लेवी सन टीका सीधी टीका खूबी इतनी है कि पाठ में पड़ा है अनार शब्द और अमरचंद्र आचार्य निकाला अमलेश शब्द। समझ में आया क्योंकि कुंकुंडाचार वक्त 2000 वर्ष पहले की बात और पीछे 1000 वर्ष पीछे अमरचंद्र आचार्य लगभग होगा। भाषा में भी अनार्य अहिया अमलेश आ गया भाषा है भगवान कहते हैं श्रावण कहते हैं। समझ में आया आई दूसरी बात कहते हैं यहाँ कि पहले भाषा है अनार्य अणज भाषा माने अमरचंद्र आचार्य मलेश शब्द वापरे आए उसका अर्थ है कि काल थोड़ा हिणाया ने तो पहले जो अनार्य भाषा थी उसको जरी मलेश भाषा भाषा की भी इतनी क्या कहना अंतर हो गया। आया जैसे कोई पण शब्द में आप अध्यात्म शास्त्र है महासंतों का कहा हुआ है आ कोई कथा वार्ता नहीं साधारण उसमें एक एक शब्द में क्यों फेर पड़ा उसका भी कोई इतिहास है उसमें कुछ इतिहास है। समझ में आया तो पहले शब्द ऐसा कहा भगवान कुंकुंडाचार्य जह नवी सक अणजो अनज भाषा वीणा होगा ये हूँ भगवान अमरचंद्र आचार्य अर्थ करते हैं 1000 वर्ष पीछे जैसे किसी किसी मलेश से किसी मलेश सब मलेश नहीं कोई मलेश मलेश शब्द है ना मलेश पंडित जी मैं थोड़ी करके दे दिए उसका हल्की चीज हो गई अनार से भी मलेश हल्का हो गया अने शब्द में अनार ये इतना आज मलेश मले मऊ 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 का इसने वाला ऐसी भाषा की स्थिति ऐसी हो गई है वो तो कुदरत भाषा निकलती है करना पड़े पड़ नहीं भाषा है नहीं इस शैली सहज ऐसी निकल जाती है। तो कहते हैं जैसे किसी मलेश से यदि कदाचित कोई मलेश कदाचित कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे स्वस्ति ऐसा तो वह मलेश उस शब्द के वाचवाचक संबंध को न जानने से वाचवाचक संबंध स्वस्ति वाचक है तो वाच क्या उसका वाच क्या भाव क्या समझे नहीं जब साकर शब्द है शब्द साकर शब्द साकर पदार्थ को बताते हैं ऐसे स्वस्ति क्या बताते हैं उसकी खबर नहीं देख लो पात्र कैसा होना चाहिए श्रोता वो भी उसमें लीला आ तो गाथा आचार्य की है श्रोता कैसा होना चाहिए और उसको परमात्मा उपदेश देते हैं दो ही बात उसमें समाप्त हो जाता है। पहले जन पहली गाथा में कहा कि हम सर्व सिद्धों को हमारा ज्ञान में स्थापन करके ये श्रोताओ तुम्हारा ज्ञान में सर्व सिद्धों को स्थापन कर समझता कहते देखो ऐसा तो श्रोता लिया और समझ में आया अंतिवासी लिया भाई समझ में आया अंतिवासी लिया ना राजा ने सातवीं में
अंति वासी है, सुमित में है, सुमित में है, क्षेत्र संग भाव हम समझने के लायक है, इकला सुनने के लायक है, समझ में आया। और पांचवी गाथा में हम जो कहेगा नरी होई अपमतो न पमतो जान रोजो भावो तम इतम वियतम दाय एक वियतम वियतम दाय अपनो सो दाय पीछे यदि दाये मैं कहूंगा तो याद रखाओ अनुभव प्रमाण से स्थित कर लेना, अनुभव प्रमाण से मानना, ऐसा शीशी सामने रखा है आया। सीट को स्थापन किया पहले स्वतः को सुनाओ तुम सीधो स्थापन करते हैं सर्व अनंत सिद्ध को पर्याय में उसका अर्थ तेरा लक्ष्य न्याय होना चाहिए। अब हमारा समय साफ सुन हम कहते हैं उसमें पांचवें में ऐसा लिया कि हम तुमको कहेगा प्रमाण करेगा यदि दाए प्रमाण प्रमाण अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण से करना उसका तर्क नहीं करना संलग्न घेतम कुछ शब्द आदि का हम खलना हो जाए और तेरे ख्याल में आ जाए तेरे सूक्ष्म हो ऐसा ख्याल में जागरूक न होना जागरूक न होना चल जाए कि ख्याल में रुक नहीं जाना हमारा कहना जो है अनुभव का भाव वो तेरे ख्याल में लेकर अनुभव करना। सातवीं गाथा में कहा कि अंतेवासी शीस को कहते हैं शीस एक धर्मी ऐसा द्रव्य को नहीं समझते हैं उसको असाधारण धर्म का नाम मात्र भेद पार करके नाम मात्र भेदो वस्तु में भेद नहीं पड़ते सुनाते हैं ऐसा कहकर अभेद को सिद्ध किया तो शिष्य प्रश्न के ऐसा अभेद ही तुम्हारे स्थापना था अभी इतना तो होने तुमको सही कि जैसे मलेच्छ को स्वस्ति शब्द कहते हैं कि वाचवाचक संबंध को न जानने से शब्द सुना पर उसका भाव क्या कहते हैं तेरा अविनाशी कल्याण स्वस्ति तेरा कल्याण ऐसा भाव नहीं समझे वो समझे न जानने से कुछ भी न समझ भाषा इतना लिया है कहीं समझो नहीं कहीं समझो नहीं स्वस्ति शब्द सुना पर कहीं समझो नहीं कहीं समझे नहीं उस ब्राह्मण की ओर हमें यहाँ खुद ही देखो प्राण स्वस्ति सुनने वाले का की योग्यता ऐसी है कि ब्राह्मण की ओर मेंढे की भांति मेंढा होता है ना मेंढा मेंढा कहते हैं ना वो अनुसरण करते हैं एक मेंढा दूसरा मेंढा के पीछे हम चलते थे अनुसरण करते हैं अनुसरण ऊंचे न देखे वो सब कुआ में पड़े कुआ में पड़े आई इतना लेना है कि अनुसरण करने वाला आशीष लिया है वो सुनने वाला वो भी है जी धर्म का पीछे ब्राह्मण की और मेंढे की भांति ऐसा उसमें क्या लिया कि वो कहते हैं उसमें उसको संतोला नहीं है क्या कहते हैं ऐसा क्यों कहा ऐसे नहीं ऐसे क्यों कहा हम तो समझते नहीं ऐसा क्यों कहा ऐसे नहीं पर मेंढे की भांति आंखें फाड़ कर टकटकी लगाकर मेष की अनिमेषम मेषी तक्षु समझ में आया लौकिक जो दृष्टांत लिया है उसमें भी कहने वाले का अनुकरण करने वाला ऐसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं बस इस वो क्या कहते हैं उसका सुनने का इच्छा है समझ में आया ब्राह्मण की और मेंढे की भांति जेटा जेटा हमारे कहते हैं जेटा की पैठे जेटा कहते हैं ना अपने वो बकरा कहते हैं उसको काला को काला बकरा कहता मेंढा बहुत अनुकरण वृत्ति वाला होता है आंखें फाड़ कर ऐसे कर टकटकी लगा कर ऐसे लगा आंख नीचे अनमेश अनिमेश देखता ही रहता है टकटकी लगाकर देखता ही रहता है किंतु जब ब्राह्मण की और मलेच्छ की भाषा का
दोनों का जानने वाला हमें आई है। ब्राह्मण कहते हैं वो भाषा और वो क्या कहते हैं उसको कैसे समझना, कैसी आज भाषा समझना। ब्राह्मण की मलेच की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष हो अथवा वही ब्राह्मण हो, कोई दूसरा पुरुष या यही ब्राह्मण मलेच भाषा बोलकर उसे समझे, मलेच भाषा बोलकर समझाते हैं। स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है तेरा विनाशी कल्याण हो। स्वस्ति का अर्थ है भैया तेरा विनाशी कल्याण हो, उसका स्वस्ति शब्द का अर्थ है ऐसा। तब भाषा देख लो, तत्काल ही आत्रा बिना ऐसे करो हो, क्या कहते हैं तत्काल ही पाठ है ना उसमें, समझ आया सज्ज्य सज्ज्य शब्द पर आए ना अंदर आयो, तत्काल उत्पन्न होने वाले अचल आनंदमय रखा गया उस मंदिर रखो, अपना आनंद का इंद्रिय आनंद की बात नहीं है, उपास समझे उसका रखा गया आंख में आप समझ हर कांसों आ जाता है, हर कांसों आ गया। हाँ हाँ सृष्टि का ऐसा करना तुम्हारे अच्छी कल्याण आंख में राष्ट्र अत्यंत आनंदमय अश्रु से जिसके नेत्र भर जाते हैं ऐसा अमलेश ऐसा यमलेश की दशा मां इस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है, वो तो दृष्टांत दिया समझ में आया। उसी प्रकार व्यवहारी जन, अरे व्यवहारी जन भी सुनने वाला कैसा होता है, उसकी योग्यता उसकी पात्रता सुनने वाले की लायकात, समझाने वाले को अनुसरण करने की अनुवृत्ति करने की उसकी लायकात कैसी है, सारा शास्त्र में बहुत भर दिया है, समझ में आया। व्यवहारी जन उलम अमली सतो अव्यवहारी जन आत्मा शब्द के कहने पर वो स्वस्ति कहा था, आत्मा कहा आत्मा आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान न होने से क्या कहते हैं आत्मा, क्या कहते कंट्रोल नहीं हो उसका भाव नहीं समझे, क्या क्या कहने क्या चाहते हैं आत्मा को कहकर क्या कहने चाहते हैं हम तो कुछ समझे नहीं, कुछ भी न समझ कर कुछ भी न समझ कर देखो आत्मा शब्द पाने पड़ा कहीं ना समझे मेहंदे की भांति मानो आत्मा कहने वाला क्यों तरफ मेहंदे की भांति बेटा की अनुकरण वर्ती है, वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं बस अपनी बात है नहीं कहीं अंदर, समझ में आया। मेंढे की घेटा की भांति अनुकरण करने की दृष्टि, आंखें फाड़ कर आंखें बात फाड़े है ना अंगेर में सूख संभाव हुआ ऐसा क्या कहते हैं सर तगतगी लगाकर तो साथ में दिमाग विकल्प भी आया क्या कहते हैं सुनो पांच लब्धि है ना तो चार लब्धि उसमें समा दिया है सूक्ष्म क्या कहते हैं ऐसा सूक्ष्म हुआ है विकल्प है सुख क्या कहते दो प्रयोग लब्धि हो गई है स्थिति कटा दिया तो सामने एक ही तक दिखते हैं क्या कहते हैं आत्मा और देखना तो वाणी है और करण तो पीछे करना है उसको समझ में आया। मेंढे की भांति सरल मानस है, सरल से अनुकरण करने की जिज्ञासा है, आंखें फर सूक्ष्म बराबर करके तदी लगाकर विकल्प सुख में जिज्ञासा है,
देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। क्या कहते हैं आप, समझ में आया? किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्य ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले, क्या कहते हैं हवे, जब व्यवहार ने परमार्थ, परमार्थ तो भान है पर जब उसको समझाने का विकल्प आया तो व्यवहार आ गया। समझाने वाले का निश्चय दो आ गया, अभेद अनुभव तो है, दृष्टि परमार्थ है, विकल्प आया तो उसको सुनाओ, भेद करके सुनाओ तो व्यवहार आ गया। वो व्यवहार आया पर आगे कहेगा तो उसको भी अनुसरण करने लायक नहीं, और सुनने को, सुनने वाले को कहेगा कि वो व्यवहार से कहेगा भेद पार करके अभेद को, तो तेरे भी व्यवहार का अनुसरण करना नहीं। समझ में आया? और दिन बात सुनाएंगे कि व्यवहारी जन ने जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाला के अंतर में विकल्प आया है, भेद पार के समझाना वही विकल्प व्यवहार हो गया, अंतर में अभेद अनुभव, अभेद दृष्टि है, फिरता है, अभेद है। कहते हैं कि व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्य ज्ञान रूपी महारथ को, जो महारथ को जो चक्र होता है ना, तो अपने परमार्थ भी है, व्यवहार का विकल्प आया समझाने को, नरम का लोभी को, सारथी की भांति, कोई आचार्य कहने वाला आचार्य अथवा दूसरा आचार्य हम कहते हैं, वो शब्द सुना तो शब्द कहने वाले कहा अथवा कोई दूसरा आकर उसका अर्थ किया, दो बात लिया है। कोई आचार्य अथवा आत्मा शब्द को कहने वाला जैसे ही क्यों लिया है कि थोड़ा काल उसको लग गया समझने में, थोड़ा आत्मा पीछे कहने वाला न रहा, दूसरा आकर उसको समझाया, समझ में आया? ऐसी भी योग्यता जीव की कोई तत्कालिक समझते हैं वो इसे, अने कोई वो कहने का न समझा, दूसरा से उसको अर्थ किया, वो अर्थ समझा, समझ में आया? व्यवहार मार्ग में रहता हुआ अन्य कोई आचार अथवा आत्मा सब कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता होगा, देखो विकल्प में आया है, भेद कर बताना है, व्यवहार हो गया। व्यवहार में रहता हुआ आत्मा शब्द का ही अर्थ बतलाता है, आत्मा शब्द का ही अर्थ बतलाते है, कौन थोड़ा ना थोड़ा इतना तो बताना पड़े, एम कहते हैं, राग करे आत्मा, राग करे आत्मा, ये नहीं, समझ में आया? अशुद्धता हो आत्मा भाई, ये नहीं, आखिर का इतना व्यवहार करना पड़ते हैं उसको, रूपक को उपदेश देने वाले को वो आत्मा समझे नहीं, अभेद आत्मा समझे नहीं, अभेद स्वरूप जो 36 आत्मा का ऐसा एक किला न्याय समझे नहीं, तो परमार्थ में व्यवहार में रहने वाला श्रोता को दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हुआ आत्मा, इतना भेद पालना पड़ा, भगवान आत्मा अतति गच्छति इति आत्मा, वो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, वो आत्मा भेद इतना गया। दर्शन ज्ञान सातवां भाव लिया ना, छेला व्यवहार अनुभूति सही, ये छेला बोल दिया बस, इतना सब निकल गया, समझ में आया? इतना है इसने, थोड़ा मा थोड़ा सारा मा सारा परमार्थ को बताने में आखिर का शब्द इतना आया कि भैया दर्शन श्रद्धा अथवा देखना
जानना और कीर्ता को जो सदा प्राप्त हो, सदा सहित हो, सदा प्राप्त हो, सतत गच्छति, आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, वह आत्मा है। बस इतना सुनकर मकान लो आओ उपदेश। लोग कहते हैं क्या धवल नहीं था, जय धवल नहीं था, माँ धवल नहीं था, आत्मा धवल था। हम लोग को समझ नहीं सके, हम बराबर समझते हैं। अभी धवल का अभ्यास बहुत किया, जय धवल का, माँ धवल का किया, हम बराबर समझते। दोनों लोगों को ऐसा मिला नहीं था। अरे भाई शब्द में क्या ना इतना व्यवहार आया बस। कुंकुंडाचार्य भी ऐसा ही कहा पांचवी गाथा में, भगवान पर गुरु सर्वज्ञ अपर गुरु हमारा गणदर्श है पर हमारा गुरु प्रियम, हमारा ऊपर कृपा करीने राशाधिकृत अनुशासन को मेहरबानी करीने भगवान से मानकर हमारा गुरु प्रियम को आत्मा का शुद्ध आत्मा का उपदेश हमको दिया। एक ही शब्द समझ में आया, एक ही शब्द शुद्ध आत्मा का उपदेश हमको हमारा गुरु ने कृपा करके विनय है ना बहुत में, ये हमारा अनुशासन करके हमने अनुसर के आ भाई शुद्ध आत्मा वो आत्मा है ऐसा हमको कहा। क्या ऐसा दिया भाई शुद्ध आत्मा नहीं कहा के साधारण प्राणी को समझाना है तो व्यवहारिक जन ऐसा है तो उसको थोड़ा मा थोड़ा इतना भेद पालना पड़ेगा। को करे आत्मा ऐसा नहीं, राग व्यवहार रत्न त्रय राग को करे आत्मा ऐसा है नहीं, ये आत्मा नहीं, अशुद्ध आत्मा नहीं, पर एक रूप जो भगवान आत्मा है वो इनको प्राप्त हो श्रद्धा को विश्वास कौन करते हैं, दिखने ज्ञान कौन करते हैं, चिंता क्या होती है, ऐसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, ये सदा प्राप्त हो वो आत्मा है। देखो इतना शब्द में देखना लिया गया उसको समझ में आया, पहला सूक्ष्म था, सुनने का विकल्प था, स्थिति घटकर प्रयोग था, प्रायोग लब्धि थी, देखना देखिए अंदर समझ में आया। अरे पंचमा अंतर में लक्ष्य करके आनंद उत्पन्न होता है कहते हैं, क्या कहते हैं, तब तत्काल ही भाषा देखो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हुआ आत्मा ऐसा जब सुना तो लक्ष्य तो आत्मा का कराना है भाई, भेद का नहीं, भेद का नहीं, भेद से अभेद का, आत्मा दर्शन श्रद्धा ज्ञान चारित्र को सदा प्राप्त हो वो बताना है व्यवहार से, भेद से बताना है अभेद, व्यवहार बताना नहीं है, व्यवहार द्वारा भेद द्वारा निश्चय बताना है। भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वो आत्मा ऐसा बताने वाले का जो आशय था भेद को करके अभेद बताने का आशय था वो भेद को लक्ष्य में लेकर अभेद को चले गए, समझ में आया, तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाला ऐसा यहाँ समीप में अनुभव हुआ वो बात करते हैं भाई, अधिगम की बात करते हैं, समझ में आया, तत्काल उत्पन्न होने वाला अत्यंत आनंद से अत्यंत आनंद अतीन्द्रिय आनंद आया,
हाँ, गुरु कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो आत्मा, आ श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्राप्त आत्मा, ऐसे आत्माओं पर दृष्टि हुई, एकत्व हुआ, वेद का सुनना था उसे भी वेद हो गया, उसको छोड़कर आया कि तीन मूल का लक्ष्य भी छोड़ दिया। ये अचन आनंद से है ना पाठ अंदर, अमंद आनंद, अमंद आनंद, अमंद आनंद, ये सद्य अमंद आनंद एम है ना, सद्य नाम तत्काल, समझ में आया, उत्पन्न होने वाला आत्मा, आत्मा वेद से बताया कि दर्शन जानकारी तो खतराव को आत्मा, उसने ऐसा नहीं किया कि हमको सुनने सुनते हैं वही आत्मा, आखिर माँ इतना कहा भगवान, हमने भगवान विराजते हैं वो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त होता है, बस वेद से अभेद को बताया, वेद को भेद भेद को नहीं बताते हैं, वेद से अभेद को बताया, पांडव कह जाते व्यवहार स्थापन करने ही हो गए, व्यवहार है खड़ा आदरणीय नहीं, समझ में आया, सुनने वाले को और कहने वाले को विकल्प आया, सुनने वाले को भेद का लक्ष्य हुआ तो ऐसा बराबर है, पर आश्रय करने लायक नहीं, समझ में आया, वो टीका नहीं है आदर ने आ गया, अच्छन आनंद जिसके हृदय में सुंदर, देखो उलम आंख सुना था, समझ में आया, उसकी उसकी आंख में आंसू आया, हरक का बाहर की बात थी ना, हाँ तो अंतर हृदय में ज्ञान में, अंदर हृदय नाम ज्ञान में सुंदर मनोहर बोध तरंगे उछलने लगती है, आनंद ने ज्ञान दो साथ में उठते हैं, समझ में आया, आई तो बे कहना था, एक नु ज्ञान ही नहीं, आनंद तो आनंद पहले लिया, इसे बहुत तरंग उठते हैं ज्ञान की, ना पढ़ते है कि नहीं, अभी कि चौथे गुणस्तर नहीं, आनंद नहीं, स्वरूपाचरण नहीं, अरे भगवान क्या कहते हैं तुम, अरे भगवान तेरी चीज को तुम्हारे खबर नहीं प्रभु, ये चीज ऐसी है, ये चीज आ चीज आ भेद चीज, भेद का लक्ष्य करा के लक्ष्य तो अभेद का कराया, ऐसा अभेद ऊपर दृष्टि जाने से श्रोता को व्यवहारी जन को अचन आनंद से जिसके हृदय में बोले आंख में सुंदर मनोहर बोध तरंग, ये ज्ञान की व्याख्या है, सुंदर वो अचन आनंद, अचन आनंद ये आनंद में अचन आनंद लिया, जिसके हृदय में जिस सुंदर मनोहर बोध तरंग है, ज्ञान की कला जागी, ज्ञान कला उपजीव अब मौकू कहूं गुण नाटक आगे मत, समझ में आया, पढ़ाई तो सत्काल, अनिल जी वायदा नहीं, वायदा समझे, ऐसे सोता ही लिया नहीं ऐसा, हैं क्या ये आई मैं छापन फिर सुधार आया, शुद्धि में है, खबर समझ में आया, छप्पन को सुंदर ही
हाथी कम पड़े जिसमें सदा सदैव उज्जत उज्जत समझे क्या है आनंद क्या कहते हैं बहुत सार ने बहुत अल्प का एक शब्द काने पर इतना बस सही खबर बारह अंग ने क्या ग्यारह रंग भले न पढ़ाओ भगवान आत्मा वस्तु वस्तु है वो दर्शन ज्ञान चारित्र को वेद से अभेद दिखाते हैं अभेद से अभेद दिखाते हैं वो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त वो आत्मा तो उसकी दृष्टि आत्मा पर गई आत्मा पर जाने से अत्यंत आनंद उत्पन्न हुआ देखो यहाँ पहले आनंद लिया है अमरचंद जी सम्यक ज्ञान हुआ ने आनंद साथ में हुआ नहीं कर सम्यक ज्ञान है समझ में आया जैसा मिथ्या ज्ञान में दुख था आकुलता थी मिथ्या ज्ञान में आकुलता थी तो सम्यक ज्ञान में कुछ अनाकुलता नारद ज्ञान कैसा समझ में आया एक एक शब्द में कितना स्पष्ट कर दिया है पर समझे नहीं उतना पकड़ मुके नहीं है तो उसको कौन समझावे तीर्थंकर को भी ताकत नहीं कोई को समझा सके भगवान तू तेरे से समझ तो तेरे निमित दूसरा को कहने में आता है भगवान कुंकुंद आचार वो कहते हैं व्यवहार बिना परमार्थ उपदेश असकम तो परमार्थ शब्द तू पाम गया था ऐसा असली आए ऐसे ऐसा निकाला उसमें से व्यवहार बिना परमार्थ व्यवहार जो कहते हैं वेद करके भाई प्रभु तुम आत्मा हो ने तो आत्मा इकिला शब्द न समझो तो दर्शन ज्ञान चारी कर प्राप्त उसको हो वो अभेद आत्मा वो आत्मा है पाठ में से ऐसे निकाला है ओ कि परमार्थ का कहने वाला व्यवहार जो कहा तो परमार्थ समझ लिया हम जो परमार्थ ऐसा कहिया पाठ में से ऐसा निकाला है ओ तो व्यवहार बिना परमत्व वैषणम असकम आशा अनार बिना कि न समझे एम भेद बिना वो समझ सके नहीं इतना भेद तो आते हैं भैया वो भेद ऐसा नहीं कि कसाई मंद करो तो अभेद दक्ष होगा समझ में आया हर्ष इतना कि हम कहते हैं भगवान आत्मा सारा आनंद गुण का पिंड एक रूप अभेद दृष्टि वस्तु है वो दर्शन चाहिए था दर्शन इतना भेद लक्ष्य में लेकर अभेद में भी समझ में आया कसाई की मंदता कर्जा करते करते अभेद में गई कि वस्तु की स्थिति में नहीं है सरदन जी क्या पाठ बोलते देखो इतना उसका लक्ष्य में आया और गुरु ये कहा कि संग ज्ञान की रथ में नीचे व्यवहार में चले हैं नीचे तो बहाने विकल्प उठा है भेद पालना अनुसरण करने लायक नहीं पर आया है दर्शन ज्ञान चाहिए है बस इन गुण है गुण तो अनंत है तुमने मुझ असाधारण गुण तो कहा उसने कहा था सातवा में असाधारण को नाम मात्र के कर व्यवहार से कहा भगवान आत्मा अरे चैतन एक रूप वस्तु है तो आप प्रश्न भाई पूछो तुम तो मेरा की फूंकी कि तो सामान्य प्रश्न तो एक असंख्य प्रदेश सरखा विकार ना थे खरेखर तो विकार का प्रदेश भिन्न है हाँ विकार विकार द्रव क्षेत्र काल भाव चारों भिन्न है सठी उसकी तो बात क्या किया ही नहीं
समझ में आया? भगवान आत्मा दर्जन जी समझ में आया? समृद्धि करमाते हैं कि विकार का क्षेत्र भिन्न है। अच्छा वो दर्ज नाम वो वस्तु है, ये वस्तु, ये वस्तु है, दो वस्तु भिन्न है ऐसा खेल आखे ना समझे इसे आखे ना। अज्ञान उत्पन्न पाप का भाव अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ हो चैतन्य का नूर तेज उसमें नहीं। अच्छी मैं लिया है अज्ञान भाई, अज्ञान लिया समझ कितना मोह तुम बच्चे ने एक अच्छी कौन हो तू ने? हाँ हिंदी हिंदी हो, हाँ एक अच्छी पाना है दोस्तों। अच्छी मैं देखो वस्तु में वस्तु भिन्न भिन्न है, इस प्रकार ज्ञान अज्ञान में ऐसा लिया है। नीचे ज्ञान अज्ञान में आधार आधित नहीं, क्या आया है अज्ञान आया क्यों? स्वभाव भेदात वस्तु भेद एवं बस है बाकी दूसरी लिट पंक्ति। स्वभाव भेदात वस्तु भेद एवं नास्ति ज्ञान अज्ञान यो आधार आधित तुम, देखो भाषा अज्ञान ही टीका है 282 में दूसरी पंक्ति संस्कृत संस्कृत। वो पुण्य पाप का भाव, दयादान का भाव, शुभाशुभ का भाव, स्वभाव भेदात वस्तु भेद, वस्तु भेद 282 वो एव इति नास्ति में एक नहीं, ज्ञान अज्ञान यो आधार आदि नहीं, नास्ति ज्ञान अज्ञान यो आधार आदि तुम। यहाँ तो विकार को अज्ञान कहा, दो कुछ है ज्ञान कहा। भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव वस्तु उससे विकल्प आदि है, उसको ज्ञान का तेज का नूर का द्रव गुण पर्याय का उसमें अभाव है, तो उसके कारण कहा कि आधार चले कहा भाई कि ज्ञान अज्ञान में क्रोध आदि आधार नहीं है। और आखिर में समझ आया वस्तु भेद है, वस्तु एक है ही नहीं ऐसा है ना, वस्तु भिन्न ही ऊपर माथे थे ऊपर से दो स्वभाव भेदे बानसत्वात जो वस्तु भेद वस्तु ये भिन्न ही है। हाँ तो बात अलक्षण आ गई है बहुत बात। तो पुण्य पाप की अशुद्धता भगवान सुन तो सही, उसकी तो बात लिया ही नहीं भाई यहाँ, यहाँ तो उसका क्षेत्र में जो गुण गुणी का भेद है ये ना लिया आखिर में, वो तो लिया ही नहीं, निकाल दे अज्ञान। भगवान ज्ञान स्वभाव से भिन्न, अरे ज्ञान स्वरूप ही भगवान में भेद बताने को उसमें से चिन्ह भेद की दिया। दर्शन ज्ञान चारित्र को सदा प्राप्त हो वो आत्मा, आया विकार को प्राप्त हो आत्मा, अशुद्धता को प्राप्त आत्मा, वो तो बातें ही या नहीं है। समझ में आया हमारी सार की अंतर की अनुभव की शैली की बात है। समझ में आया एक एक शब्द न एक एक टीका गजब बात है। भरत क्षेत्र में सर्वज्ञ का विरह फुलावे ऐसी वो टीका है। समझ में आया सर्वज्ञ का विरह फुलावे ऐसा मुनि कम कुंभ चार मंदर कहते हैं भगवान आत्मा विकास से भिन्न है ऐसा ना कहा भाई। गुरु ये वो आत्मा कहा तो आत्मा न समझो न समझे तो वो कहने वाला कदाचित कहने वाला अने वो चला गया कदाचित, तो उसकी योग्यता है ना पात्रता एम कहते हैं, दूसरा मिल जाएगा उसको एम कहते हैं।
आत्मा कहा वो धर्मात्मा चला गया कदाचित कदाचित रहा हो, पर वो सुनने वाली लायकात है न, समझने की जिज्ञासा है न, क्या कहते हैं क्या वो कहा ऊँगी कहने वाला मिले इनको चला गया दूसरे आया बिना रहे नहीं, उसकी पात्रता है तो मिले बिना रहे नहीं, ऐसा निकला है वो ही वाह पंडित जी दो सोता की युवता की तीव्रता की बात बताना है बताते हैं तो जिसको इन्हें समझना है ना क्या कहते हैं क्या कहते हैं तो कदाच कहने वाला आत्मा ऐसा कहने वाला चले गया इस अर्थ के बिना रहा समझे दूसरा आया भैया दर्शन ज्ञान कार्य को भैया विकार से भिन्न आत्मा ऐसा नहीं कहा, कर्म से भिन्न आत्मा ऐसा नहीं कहा, बस इतना आखिर का इतना कहना पड़ा। दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रभु आत्मा उसको प्राप्त होता है, वो आत्मा उसका लक्ष्य आत्माओं पर गई, समझ में आया। वहां बात लिखी नहीं हो ऐसी बात तो वितरागी बात है, वितरागी कथा है भैया, जिसमें आत्मा की सत्यता प्रकट हो उसका नाम धर्म कथा है, जिसमें राग का स्थापन हो कि राग पहले करो तो आत्मा हो जाएगा, वो स्थापन भगवान का शास्त्र का नहीं कथा है, आया हाँ इतना व्यवहार बोले विकल्प आते हैं सुनने वाले को भी इतना तो व्यवहार को समझाने में आते हैं भाई ये भगवान आत्मा है ना चैतन्य प्रभु दर्शन ज्ञान चारित्र सदा हो सदा प्राप्त है सदा प्राप्त हो सुनकर अचन आनंद से तत्काल उत्पन्न हुआ रोकड़िया नाना यहाँ तो है उधार उधार नहीं दर्शन जी कुंकुंडाचार पंचम आराम तीर्थंगर जैसा काम किया है अमृतचंद्राचार हे कुंकुंडाचार का गणधर जैसी टीका की है हाँ कोई पक्षपात वस्तु स्थिति पर अंदर में समझे तो खबर आवेगा कि इसे ऊपर से देखे तो क्या करे समझ में आया कहते हैं तत्काल तब तत्काल समझ में आया आत्मा है तब तत्काल तत्काल ही जैसे तुरंत तुरंत कहते हैं उत्पन्न होने वाला आनंद नहीं था आनंद नहीं था तो पर्याय में आनंद उत्पन्न हुआ हम कहते हैं त्रिकाल में तो आनंद है आत्मा ऐसा अभेद दक्षिण क्या हुई नया अतिन्द्रिय आनंद उत्पन्न हुआ आनंद नहीं था पर्याय में समझ में आया जब लग राग की एकता उसमें एकता में पड़ा था आनंद नहीं था दुख था अकेला चाहे सो नवमी द्रव्य गई मुनि होकर पंचमावृतार छह मुर्गों लेकर द्रविलिंगी पर उसकी पर्याय में तो दुखी था समझ में आया तत्काल भगवान अतिन्द्रिय आनंद से भरा पड़ा है प्रभु ज्ञान आनंद ही दो लिया था जाएंगे प्रवर्तन सार की एक पहली गाथा है ना उसमें ज्ञान ज्ञान लिया ज्ञान आनंद आपको तो उसको उसमें भी दो लिया ज्ञान आनंद बस हाँ समझ में आया ले लिया आचार्यों की शैली कोई दिगंबर संतों की शैली कोई अलौकिक है
वो तो भाव लिंगी संत था, एक हाथ भाई की चीज नहीं है, अंतर से सहज आ गया वो आ गया। भाषा का भी करता नहीं, भाषा हो आने वाली पर्याय की प्रेरणा में आ गया, विकल्प भी आ गया, करता कौन है विकल्प का भी। समझ में आया? कहते हैं अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में, हृदय नाम ज्ञान में अंदर हो, मनोहर सुंदर ने मनोहर मन में हरने वाला बोध तरंगे ज्ञान की कला उत्पन्न होगी, विशेष समझने की शक्ति गले काम करने से हो, अपना स्वरूप का समझने का संग ज्ञान की कला उत्पन्न होगी और आतिंद्रिय आनंद आ गया, बस उसे उपासमान हो गया। वो छठी गाथा में कहते थे पर द्रव का भाव से भिन्न उपासमान हो, बस अपना द्रव पर लक्ष्य हुआ, परिणाम उपासमान हो गया सेवा, अति आनंद और ज्ञान का तरंग उठा परिणाम में। समझ में आया? ओह, ऐसी चीज जिसकी बात पड़ी है शास्त्र, उसका वाचार समझने में लायक हो तो उसमें से बहुत चीज निकलती है। समझ में आया? कौन ऐसा कहां तो यहाँ की बात कर रहे, एकांत है, एकांत है ऐसा कहते हैं। अरे भगवान सुन तो सही, व्यवहार से लाभ माने तो अनिकांत है, नीचे ही से लाभ माने व्यवहार से अनिकांत है, है? अरे भगवान वो है दो चीज कही क्या हमारा व्यवहार स्थापने योग है पर आदरणीय नहीं, अनुसरण करने लायक नहीं। कया क्या स्थापन न किया, व्यवहार स्थापन व्यवहार नहीं है, नहीं व्यवहार का विषय नहीं है, इतना स्थापन जानने लायक है। वो छतरंग गथम भाई कहीं ना व्यवहार समझदार छतरंग व्यवहार है, स्थापन करने लायक है, चाहे ऐसा कहे छतरंग में अपन करने योग है, छतरंग का था छतरंग हिम्मत कह रहे, दूसरे क्यों कहे ऐसा हो, ऐसा कहे दूसरा कहे जो छतरंग छतरंग ने छतरंग इतने समझे चार में छो अप्रमात्म होने पर भी धर्म ना धर्म तिरकी प्रवण करने के लिए व्यवहार नहीं बतलाना न्याय संगति है। पांच मिनट है देखो, यह सब अधिष्ठान आदि भाव जीव है, ऐसा जो भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है यज्ञ व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, देखो तो भी व्यवहार नहीं को भी बताया है कैम के मलिछों को, देखो बचा लो मलिछों को मलिच भाषा वस्तु स्वरूप बतलाती है, देखो देखो अपने मलिच नहीं वहां आया कहीं, उसी प्रकार व्यवहार नहीं व्यवहारी जीवों को परमार्थ का कहने वाला है वो, इसलिए परमार्थ होने पर भी धर्म की प्रवृत्ति करने के लिए व्यवहार नहीं बतलाना न्याय संगत, बतलाना न्याय संगत है, आदरना न्याय संगत है, ऐसा है कि नहीं, न्याय संगत है। समझ में आया नहीं? कृपा कर, परंतु यदि व्यवहार नहीं बताया जाए परमार्थ से शरीर से जीव को भिन्न बताया जाने पर भस्म को मशक करने हिंसा नहीं रहे, तेरा भाव छूटेगा नहीं, निमित्त निमित्त संबंध उसको लक्ष्य में लेकर तुम मारने का भाव होता है, व्यवहार है खरा पर आदरणीय नहीं। समझ में आया? जो न्याय मिले पाठाई देखो ये अमरचंद्र चलती का है, चिंता में व्यवहार स्थापन क्या है, व्यवहार नहीं है चिंता, व्यवहार आया कहेगा वो लिखो आखिर में है, देखो व्यवहार नहीं स्थापित करने योग है किंतु ब्राह्मण को उम्मीद नहीं हो जाना, इस वचन से व्यवहार में अनुसरण करने योग नहीं, उसमें आत्मिक गाथा में देखो चिल्ला आखिर शब्द है। समझ में आया?
आ तो हजी चाले अपने थोड़ा थोड़ा हाले सर अपने तो एक एक शब्द का अर्थ होना चाहिए एकदम क्या बाकी देंगे भगवान आत्मा आखिर आखिर का आखिर व्यवहार बता दिया आत्मा दर्शन बता व्यवहार आखिर का आया ऐसे सुनने से अच्छन आनंद से जिसके हृदय में सुंदर मनोहर भूत तरंगे उछलने लगती है ऐसा यह व्यवहारी जन देखो उस आत्मा शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझ लेते हैं। लो आत्मा का वाच जो है बराबर समझ ले। ओ हो प्रेमन हो गया अवेद आत्मा अवेद आत्मा आया शब्द के अर्थ को शब्द के अर्थ इतने वस्तु अच्छा आत्मा तो शब्द है उसका अर्थ को भाव आत्मा अभेद स्वरूप अभेद को अच्छी तरह समझ लेते हैं बराबर समय ज्ञान में वस्तु आ जाती है। समझ में आया अर्थ को अच्छी तरह समझ लेता है बर भगवान आत्मा बताया तो पकड़ लिया। इस प्रकार जगत को मलेच्छ के स्थान पर होने से देखो आखू जगत मलेच्छ ना स्थान मत है और व्यवहार नहीं मलेच्छ भाषा के स्थान पर है। व्यवहार नहीं भी बस बीली तो बोलो जगत मलेच्छ ने थाने छे व्यवहार नहीं भी बेगा मलेच्छ भाषा के स्थान पर होने से परमार्थ का कहने वाला है स्थान पर कहने वाला है परमार्थ का बताने वाला है इसलिए व्यवहार नहीं स्थापित करने योग है ऐसा स्थापन करने लायक है। व्यवहार नहीं भेद विकल्प है यहां जाकर अभेद को लक्ष्य करना है ऐसा व्यवहार नहीं है इतना करा आदरणीय नहीं आया भेद का आदरणीय तो विकल्प है तो विकल्प हुआ अभेद में भेद पढ़ के तो विकल्प हुआ वो तो आ गया साथ में उसका परमार्थ यहाँ है क्या जा हम तो कुंता में बता दर्शन प्राप्त हो इतना नहीं समझ सकते हैं एक ही आत्मा तो इतना भेद पाड़ कर समझाते हैं पर समझने वाला वो भेद ऊपर लगना नहीं ना तेरे छोड़ अभेद ऊपर दर्शन लेना तब व्यवहार नहीं स्थापन करने योग कहा किंतु ब्राह्मण को मेज नहीं हो जाना चाहिए ब्राह्मण भले विकल्प आया ने कहे मिलेश नहीं हो जाना चाहिए इस वचन से व्यवहार नहीं अनुसरण करने योग नहीं व्यवहार नहीं स्थापन करने योग है ऐसा कहने में आया है पर अनुसरण करने लायक है नहीं ऐसा भगवान त्रिलोकनाथ संतों का उद्देश्य है उसका भावात्मक स्पष्ट विषय है।